विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में लड्डू प्रसाद को लेके काफी समय से विवाद चल रहा था। बता दें कि मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट के ऊपर भगवान महाकाल का शिखर और ओम के निशान से विवाद खड़ा हुआ था, जिसकी वकील और संतों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी। करीब 5 महीने बाद मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट के ऊपर से ओम और शिखर का निशान हटा दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। आइए जानते हैं वकील से किस प्रकार का विवाद सामने आया था। कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ये पहल थी और उन्हीं की प्रेरणा से संतों से विचार करा था कि जो ग्राहक रहता है वो जो ग्रहण करता है प्रसाद, हम यहाँ से प्रसाद लेते थे तो उस पर हमारा जो चिन्ह सनातन का रहता है और जो चित्र था वो रहता था, और उसको उपभोग करने के बाद जो है उसको डस्टबिन में कूड़ादान में फेंक दिया जाता था, तो सनातन का इसमें अपमान होता था। तो इसी के चलते हमने जनहित याचिका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की प्रेरणा एवं संतों के मार्गदर्शन में लगाई थी, जिसमें 3 महीने का जो हमने एक रिप्रेजेंटेशन निराकरण के लिए इनको कहा गया था कि 3 महीने में निराकरण कर देवे। 5 माह में मैं प्रबंध समिति को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इसका निराकरण करके जो सनातन के चिन्ह और चित्र प्रसाद पैकेट पर अंकित थे उसको हटा दिया गया, और आज जो है वो प्रसाद जो है उस पर कोई भी चिन्ह और सनातन का चित्र जो है वो नहीं अंकित है। मैं माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उच्च न्यायालय खंडपीठ के जो न्यायमूर्ति हैं उनके जो इस आदेश के द्वारा सनातन का रक्षार्थ हेतु जो आदेश हुआ है वो पूरे देश में गुंजमान रहेगा। आप देखेंगे उस आदेश में इतनी चीजें कर दी हैं कि वो पूरे देश में अब जहाँ भी सनातन का अपमान होगा वहाँ पे हम आग्रह कर सकते हैं और जो सनातन का अपमान हो रहा है उस पर रोक लग सकती है। तो मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, श्री चिंतामण चिंता हरे, शिप्रा करे निहाल, दया करे मा हर सिद्धि, रक्षा करे महाकाल, जय श्री महाकाल। जैसे ही हाई कोर्ट के आदेश का पालन हुआ श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। आइए जानते हैं श्रद्धालुओं से प्रसाद का पैकेट चेंज हुआ है इस बारे में उनका क्या कहना है। बहुत ही अच्छा पहलू जो मंदिर ट्रस्ट द्वारा लिया गया है। मंदिर की फोटो इन पैकेट से हटा दी गई है, जो ये बहुत अच्छी बात है कि ये ना तो हम वेस्ट करेंगे, ना ही किसी के पैरों में आएगी और ना ही किसी तरह का मतलब इसमें कोई बुराई है। मैं समझता हूँ ये पहले ही हो जाना चाहिए था। सही बात है कि अगर एक बार हमने प्रसाद का उपयोग कर लिया तो वो जगह जगह डला फिरता था, हम उसे कचरे में भी डाल देते थे। इससे अब धार्मिक आस्था पर भी कोई भी उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नमस्कार, जय महाकाल, मैं डॉक्टर कंवर सिंह। मुझे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि हर साल बाबा मुझे बुलाएं और मैं जरूर आऊं। मंदिर समिति ने ये लड्डू का जो पहले जो डब्बा होता था उसमें शिखर की फ़ोटो थी, मंदिर कमेटी ने उसको चेंज कर दिया है, अब केवल प्रसाद की फ़ोटो है। पहले जब वो डब्बा इधर उधर पाँव में लोग फेंक देते थे, इधर उधर कहीं कूड़े में चला जाता था, तो वो समिति को भी अच्छा नहीं लगता था और हम आप सबको भी अच्छा नहीं लगता था। ये समिति का बहुत अच्छा प्रयास है, हम सब इसकी सराहना करते हैं और हम आगे समिति का धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के चेंजेज आगे सुधार समिति के लिए करते रहें। धन्यवाद।